बिहार के दरभंगा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां बहुत ही दुखद खबर निकलकर सामने आई है। बताया जाता है कि कुशेश्वर स्थान थाना क्षेत्र से इस वक्त की जो खबर आई है, जहां गढ़ेपुरा से झजरा आ रही एक नाव बीच नदी में पलट गई। सूचना मिल रही है कि नाव पर 17 लोग सवार थे, जिसमें 2 लोगों की मौत मौके पर हो गई। वहीं 4 लोग नदी की धारा में बहने की भी खबर आई है, जिनका अब तक कोई आता पता नहीं चला है। वहीं 11 लोग तैरकर नदी किनारे सही सलामत पहुंच भी गए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि 3 लोग पानी में बह गए हैं, तो कुछ लोगों का कहना है कि 4 लोग पानी में बह गए। वहीं कुशेश्वर स्थान थाना क्षेत्र के अंतर्गत महिसोद पंचायत के गढ़ेपुरा गांव में झजरा जाने के दौरान यह घटना घटी है। गढ़ेपुरा गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। कई गांव के लोग नदी के दोनों किनारे आंखें गड़ाई बैठे हुए हैं। पानी से बह गए लोगों के खोज में अलग अलग जगह पर लोग जाल फेंक कर दूसरे नाव से ढूंढ रहे हैं। वहीं चारों तरफ लोगों की चीत्कार सुनाई दे रहा है। इस बाबत कुशेश्वर स्थान थाना अध्यक्ष राकेश कुमार सिंह ने कहा कि घटना की सूचना उन्हें भी मिली है। उन्होंने बताया कि घटनास्थल पर जा रहे हैं, सड़क खराब होने की स्थिति में नहीं पहुंच पाए हैं। स्थानीय कई लोगों ने BDO और CO समेत वरीय पदाधिकारी को सूचना भी दी है। बताया जा रहा है कि 2 महिला की मौके पर मौत की खबर आई है। हालांकि इस मामले में स्थानीय समाजसेवी और स्थानीय नेता वो भी मौके पर पहुंचे हैं। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि इस नाव डूबने की खबर जैसे ही सुना, छात्र नेता दिलखुश कुमार ने कुशेश्वर स्थान विधानसभा अंतर्गत गढ़ेपुरा गांव झजरा हाट के समीप पहुंचे, और जहां घटना हुआ वहां पहुंचे तो उन्होंने जानकारी दिया कि झजरा हाट आने के क्रम में नाव जो है पलटने से नाव पर सवार 5 लोगों की मौत हुई है। बताया कि अचानक आंधी आने से झजरा चौक से नाव पलट गई है, जिसमें 5 व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई है। वहीं सभी स्थानीय लोगों के द्वारा 2 महिला को किसी तरह निकाला गया है। वहीं मृतक की पहचान जगतारण देवी पति स्वर्गीय महावीर यादव, फुलपरी देवी पति राम प्रसाद मुखिया, लक्ष्मी कुमारी राम शंकर यादव, सोनाली कुमारी राजकिशोर यादव, सोनिया कुमारी बालेश्वर राम, सभी पुत्र 45 व 50, वहीं 3 बच्चे जिसका उम्र 12 व 45 वर्ष, उसे ढूंढने के लिए सभी स्थानीय लोग काफी मशक्कत कर रहे हैं। वहीं इस मौके पर पहुंचे त्रिभुवन कुमार ने कहा कि घटना बहुत ही दुखद और दुखनायक है। घटना की जानकारी प्राप्त कर राजस्व अधिकारी व प्रभारी अंचल अधिकारी से दूरभाष पर उन्होंने बात करते हुए जानकारी दिए। नमस्कार, अभी अभी कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र से बड़ी दुखद घटना की जानकारी प्राप्त हुआ है। आज गढ़ेपुरा गांव से झजरा बुधवार को जो हाट लगता है, हाट पर जाने के लिए नाव से सवार 9 व्यक्ति झजरा के लिए निकले थे। झजरा और शाहपुर के बीच चौर में नाव आंधी में डूब जाने के कारण 5 व्यक्ति का निधन होने की सूचना प्राप्त हुआ है। घटना की जानकारी पाकर तुरंत संबंधित राजस्व अधिकारी व प्रभारी अंचल अधिकारी शिवम श्रीवास्तव से दूरभाष पर संपर्क स्थापित करते हुए घटना की सूचना दिए हैं। साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से संबंधित जिलाधिकारी राजीव कुमार रोशन, SSP, संबंधित SDPO, SDO और संबंधित थानाधिकारी अध्यक्ष को सूचना देते हुए घटनास्थल पर अपने टीम के सदस्यों को भेजे हैं, और वहां पर सभी बॉडी को रिकवर कर लिया गया है। सभी बॉडी मृत पाया गया है और 4 व्यक्ति जो बच गया है। घटना की यही दुखद है। कुशेश्वर स्थान से हम संपूर्ण शोकाकुल परिवार के प्रति सच्ची संवेदना करते हैं और ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति हेतु प्रार्थना। बहुत दुखद जानकारी आप लोगों को दे रहे हैं। आज हमारे विधान सभा कुशेश्वर स्थान अंतर्गत गढ़ेपुरा और झजरा चौर में नाव पलट जाने से 5 व्यक्ति की मौत हो गई है, जिसमें 2 महिला है जिसकी उम्र 45 से 50 के लमसम में है, और 3 लड़की जो 12 से 14 साल की है उसका भी मौत हो गया। 5 डेथ बॉडी को काफ़ी मशक्कत के बाद खोज लिया गया है, जिसमें लगभग 9 से 10 आदमी सवार थे, और जो व्यक्ति सवार थे वो तैर कर बाहर निकल गए, वह स्वस्थ हैं फिलहाल। और पीड़ित परिवार के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं, और हम स्थानीय प्रशासन से मांग करते हैं कि जो व्यक्ति डूब गए हैं उनके परिवार को उचित न्याय दिया जाए। धन्यवाद।